भारत सरकार के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर की गई शर्मनाक वीडियो। पीएम मोदी ने गली बॉय बनकर किया घटिया प्रचार। लोगों ने भारत सरकार पर उठाए सवाल। दोस्तों, भारत सरकार के एक आधिकारिक सोशल मीडिया के पेज पर ऐसा वीडियो शेयर किया गया है जो शायद इतिहास में कभी किसी सरकार में नहीं किया गया होगा। दोस्तों, ये वीडियो इतना शर्मनाक है कि अब लोग भी सोशल मीडिया पर सवाल उठाने लगे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी पर कोई ऐसा वीडियो बनाकर कैसे शेयर कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी को इस वीडियो में एकदम गली छाप या कहें गली बॉय जैसा दिखाया गया है। वहीं दोस्तों, लोगों को तो ये भी समझ नहीं आ रहा है कि जिस सरकारी अकाउंट से ये वीडियो शेयर किया गया है, क्या वो सच में भारत सरकार का ही सोशल मीडिया पेज है? क्योंकि वीडियो ही कुछ ऐसा है कि इस पर यकीन कर पाना भी मुश्किल हो गया। दरअसल दोस्तों, ये वीडियो माय गवर्नमेंट इंडिया इंस्टा अकाउंट से शेयर किया गया है, जिस पर साफ तौर पर ब्लू टिक भी है। और ये वीडियो संसद भवन का है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन में एंट्री करते हैं और उनके आते ही सब खड़े हो जाते हैं और बैकग्राउंड में गाना बज रहा है, भाग 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 आया शेर जी हाँ, ये गाना है भाग 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 आया शेर। दोस्तों, वाकई में ये बेहद शर्मनाक है। प्रधानमंत्री मोदी का ये स्लोमो वीडियो लोकसभा के अंदर का है, जब वो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही संसद भवन में एंट्री करते हैं, वैसे ही बैकग्राउंड में भाग 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 आया शेर का गाना बज रहा है। वहीं दोस्तों, सोशल मीडिया पर जब लोगों ने इस वीडियो को देखा तो तरह तरह के सवाल खड़े कर दिए। लोग कमेंट्स में लिख रहे हैं, ये भाजपा सरकार का पेज है या बीजेपी का, लग रहा है नाम में कुछ गलती हुई है। कुछ लोग लिख रहे हैं कि इस इंस्टाग्राम आईडी का नाम माई गवर्नमेंट इंडिया बदल कर भाजपा रख दो। वही दोस्तों, बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से मोदी की एंट्री पर बैकग्राउंड में गाना बज रहा है, भाग 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 आया शेर, इसका मतलब क्या है? आखिर सदन से कौन भाग जाए? क्या सदन से स्पीकर अपनी कुर्सी छोड़कर भाग जाए, या मोदी के आने से विपक्ष में बैठे हुए सांसद भाग जाए, या फिर वो महिला सांसद भाग जाए जिनको उड़न चुंबन से दिक्कत हो रही थी। दोस्तों, वाकई में ये वीडियो काफी निंदनीय है और तमाम लोगों को एक सरकारी प्लेटफॉर्म से इस तरह का पोस्ट किया जाना भी पसंद नहीं आया। और लोग इस वीडियो पर तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। लोग लिख रहे हैं कि ये भारत सरकार का ऑफिशियल पेज है ना। कुछ लोग लिख रहे हैं, ये भारत सरकार का पेज है या भाजपा का, मुझे लग रहा है नाम में कुछ गलती है। वहीं ये भी लिखा गया, थोड़ी मर्यादा रखिए, ये भारत सरकार का ऑफिशियल पेज है। कुछ लोगों ने इसे शर्मनाक बताया। तो कुछ लोग लिख रहे हैं कि शेर मणिपुर मामले से भाग रहा है। वहीं आगे लिखा गया कमेंट्स में कि बीजेपी आईडी सेल ने सरकारी प्लेटफॉर्म को स्पैम कर दिया। लिखा गया कि इस इंस्टाग्राम आईडी का नाम माई गव इंडिया से बदल कर माई बीजेपी पार्टी कर दो। वहीं कुछ लोगों ने लिखा कि बीजेपी का ऑफिशियल पेज है क्या ये। कुछ लोगों ने तो ये लिख दिया कि सरकारी पेज जैसा रवैया रखिए, किसी सस्ते प्रोपोगंडा पेज की तरह व्यवहार मत कीजिए। दोस्तों, आपको बता दें कि ये गाना भाग 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 आया शेर फिल्म गली बॉय का है, जो आपने पहले भी कई बार सुना होगा। अब सवाल ये है दोस्तों कि क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतनी सस्ती लोकप्रियता चाहिए? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इस तरह से प्रचार करेंगे? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मान लिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब भाग 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 आया शेर जैसे गाने लगवा कर अब सोशल मीडिया पर इसे पोस्ट करेंगे? दोस्तों, क्या ये सब प्रधानमंत्री मोदी की मर्जी से हो रहा है? क्योंकि बगैर उनकी मर्जी से तो इस देश में कुछ नहीं होता। खैर, जो भी हो दोस्तों, पर यह वीडियो वाकई में बेहद शर्मनाक है। लेकिन आप प्रधानमंत्री मोदी के ऐसे वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें और आपके अपने चैनल कबीर न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नमस्कार।